मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर टाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में, ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव, आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। कि आंखों से नूर मिलता है, जो भी मांगो जरूर मिलता है, और वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं, यानी कि आपकी हर समस्या का समाधान। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ में, और हर रोज की तरह मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी। गुरुजी स्टूडियो पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में आपका जो इंतज़ार था 24 घंटे का वो खत्म हो चुका है। गुरुजी से आपकी मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन सबसे पहले गुरुजी का स्वागत यहाँ पर करते हैं। गुरुजी बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। तो दर्शकों, कोई भी परेशानी आपकी है, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे आप उभर नहीं पा रहे हैं। वो परेशानियां कैसी भी हो सकती हैं, चाहे आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हर डॉक्टर को आप दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, बार बार बीमार पड़ते हैं, अब ऐसे में आप क्या करें। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन बीमारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आप उठ नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, तो ऐसा पैसा किस काम का। आप भी ये सोच रहे हैं कि कोई जो है ऐसा आए कि आपका जो रोग है उसको उसका इलाज यहाँ पर कर पाए, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपका जो व्यापार है वो अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप लगातार उतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी आपको उस व्यापार से मिलनी चाहिए, लगातार आपको घाटा पिछले कई सालों से आ रहा है, मुनाफा नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में आपने मन बना लिया है कि ये व्यापार हमें चलाना ही नहीं है, उसको बंद कर देना है क्योंकि मुनाफा मिल नहीं पा रहा है। अगर मुनाफा नहीं मिल पाएगा, घाटा होगा, तो नुकसान आपको होगा, इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं। इसके साथ ही आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, आप जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, किस जगह आपको फॉर्म भरना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सी नौकरी आपके लिए अच्छी होगी, सरकारी नौकरी में जाएं या फिर प्राइवेट नौकरी में जाएं। अगर ऐसी परेशानी आपके सामने है, उसके लिए आप परेशान हैं, तो उसके लिए भी आपकी समस्या का समाधान है। और इसके साथ ही अगर आपकी नौकरी लग चुकी है लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप परेशान हैं, तो उसका भी यहाँ पर समाधान है। इसके साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं कि कब होगी आपकी शादी, तो उसका भी आपको यहाँ पर समाधान मिलेगा। शादी हो गई है लेकिन उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में उतनी खुशहाली नहीं है जितनी आपने सोची थी कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है और जो नौबत है वो तलाक तक आकर पहुंच चुकी है। ऐसे में अपनी शादीशुदा जिंदगी को आप कैसे बचा सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पर मिलेगा समाधान। यानी कि समस्या कैसी भी हो, या आप चाह रहे हैं कि आपका अपना आशियाना बने, आशियाना बनाना चाहते हैं और आपने सोच लिया है कि हमें किस तरह का घर बनाना है, लेकिन किस दिशा में आपको घर बनाना है ये आपको नहीं मालूम है, तो वो भी हम आपको हमारे खास कार्यक्रम में बताएंगे। गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हर दिन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। समस्याएं कितनी भी हों लेकिन समाधान उससे भी ज़्यादा है, बस आप समाधान करते रहिए और
फिर देखिए कि किस तरह से आपकी जिंदगी में जो दुख होते हैं वो छोटे पड़ जाएंगे और जो सुख हैं उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गुरुजी से बात करने के लिए कॉलर्स, तो गुरुजी से सीधी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। उत्तर प्रदेश से के मुजफ्फरनगर से सीमा है हमारे साथ पहली कॉलर। सीमा जी बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, आपको सुन रहे हैं, सवाल करिए, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। जी प्रणाम, आपको सुन रहे हैं, आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रिश्ते आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। आपका लास्ट टाइम रिश्ता कब आया था बेटा? अभी गुरुजी उसमें मार्च में आया था। किस बात पे खंडित हो गया वो? गुरुजी उसके पापा जी भी मतलब तैयार हो गए थे, मम्मी भी, लड़का भी देखना आया था, तो लड़के को मतलब मैं नहीं पसंद आई, नहीं तो उसके पापा को तो बहुत पसंद था सब कुछ, मतलब मुझे अंगूठी पहनाने के लिए ही आए थे। लड़का क्या कह के चला गया? लड़के मतलब ये बोल रहा कि मतलब घर जाके पापा को बताऊंगा। अच्छा हाँ जी। तो बेटा मोटी है क्या पतली है? ना मोटी गुरुजी, ना ज्यादा पतली। कितना वजन है? वजन तो 50 के पास है। और हाइट कितनी है? हाइट तो गुरुजी 5 फीट ही है। रंग कैसा है? रंग ही हुआ है गुरुजी। अच्छा, आपकी जाति क्या है? गुरुजी जात है। अच्छा बेटा, तेरी जुबान पर रेखा है कि नहीं है? गुरुजी इसका तो पता नहीं, देख ले शीशे में, देख ले, किसी से पूछ ले बेटा। जुबान पर रेखा मतलब कैसे, मतलब गुरुजी कैसे देखूं? जीभ निकाल के देख शीशे में, उसके बीच में रेखा है सीधी सीधी का नहीं है? हाँ जी गुरुजी है। मोटी है के पतली है? पतली है गुरुजी। रेखा आगे से खंडित है के साबुत है? साबुत ही है गुरुजी। अच्छा भाई, शादी तो तेरी बड़े अच्छे घर में लिखी है। अच्छा गुरुजी। हाँ शादी की चिंता मत कर, एक परेशानी लिखी, एक बात लिखी है कि कुछ ना कुछ घर में उलझन चलती रहेगी, और घर के उलझन की वजह से ना सब लोग टेंशन में रहेंगे, सब कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। हाँ जी गुरुजी, सब टेंशन ले रहे बहुत ज्यादा। तो एक तो ये है कि तुम इसमें घर में कब से रह रहे हो? गुरुजी हम तो बचपन से ही रह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये घर ही किसी को सूट नहीं कर रहा। घर सूट नहीं कर रहा? नहीं, और इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। नहीं गुरुजी इसे तो नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना कोई चारा भी नहीं है। हाँ जी। और देखो इस घर के पास का माहौल भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी। लेकिन क्या है कि माहौल में भाई एक आधा आदमी तो गंदा होता ही है। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पैसे का और परेशानी का सुख रहेगा हमेशा, के भी परेशानी आती रहेंगी और पैसे के अंदर दिक्कत आती रहेगी। हाँ जी गुरुजी, पैसे की दिक्कत आती है गुरुजी। क्योंकि देखो ये काफी पुरानी बात है, रिश्ता तो तेरा हो जाता। हाँ जी। लेकिन कहते हैं ना भाई, उस वक्त जब दांत थे तो खाने को नहीं था, खाने को तब दांत नहीं है। तो गुरुजी हाँ मेरे से आया था गुरुजी, हाँ हो नहीं पाने का गुरुजी मेरा। भाई दोबारा आएंगे वो लोग, लेकिन लड़का तो बहुत स्याणा है। हाँ जी लड़के की वजह से ही सब कुछ हो रहा है गुरुजी। मुझे तो लग रहा है लड़का कहीं ना कहीं जुगाड़बाजी में लगा हुआ है। हाँ जी गुरुजी यही है। और उसकी निगाह भी अच्छी नहीं है, वो देखता भी मतलब ढंग से नहीं रहा, ऐसे देख रहा था जैसे तिरछे तिरछे देखते है ना, जैसे मतलब आरामी लोग नहीं देखते हैं, ऐसे देख रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी। अच्छा एक बात, उसने तेरे से बात करने की कोशिश भी करी थी, तूने ध्यान नहीं दिया बेटा। हाँ जी गुरुजी, मतलब मेरे बारे में पूछा था उसने, फिर मतलब जैसे उसकी मम्मी ने कहा ना कि एक बार और देख ले, तो गुरुजी मुझे देख नहीं रहा था। हाँ तो क्या बात करी थी उसने तेरे से, ये बता दे मुझे। गुरुजी ये पूछा था कि मतलब आपका नाम क्या है और आपकी हॉबीज क्या है और आप क्या करना चाहते हो, मतलब मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो पार्लर किया है, तो कह रहा कि आप पार्लर खोलना चाहते हो क्या, मतलब मैंने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही शौक के लिए किया है, अगर आप खुलवाना चाहोगे तो खोल लूंगी। फिर क्या बोला? बस गुरुजी फिर क्या नाम उसके जो मतलब वे आ रहे थे बहनों ही, तो उनसे बात की है बस, फिर जाके मम्मी को बुला के चल दिया बाहर बैठ के गाड़ी में। एक बात बताओ, तुझे लालची सा नहीं लगा? हाँ गुरुजी लालची सा लगा।
क्योंकि वो ना घर के हालचाल देख रहा था। हाँ गुरुजी, वो गुरुजी नीचे मतलब जब नीचे था जब तो सही था, लेकिन ऊपर आया तो मतलब ऊपर आके उसका मन बदल गया, क्योंकि गुरुजी हमारे ऊपर लिपाई वगैरह नहीं हो रही, ऐसे ही पड़ा सब कुछ। यही तो बात है। तो गुरुजी यहाँ हो नहीं पाने का? गुरुजी यहाँ मुश्किल सा ही लग रहा है। अच्छा गुरुजी। लेकिन तुझे क्या लेना, तुझे गुरुजी और कोई रिश्ता भेज देंगे बढ़िया सा। हाँ गुरुजी, कोई आपकी कृपा हो गुरुजी, इससे भी अच्छा मिल जाए तो गुरुजी बहुत अच्छा। भी तल्लीदार, ये तो कुछ भी तल्लीदार नहीं है, इनसे भी ज्यादा अच्छा। आप भी धूम में बैठ के बात करी गुरुजी, मैं कभी फोन कर जा। और बुझ ले क्या बुझना, बस ये बता दो गुरुजी कि मतलब मुझे ये बता दो कि मुझे जॉब वाला लड़का मिलेगा या मतलब खेती वगैरह में ही? देखो जी, जॉब वाला ही लड़का मिलेगा तुझे तो। अच्छा गुरुजी, सरकारी नौकरी मिलेगी गुरुजी? सरकारी वरकारी रहन दे। अच्छा गुरुजी, जो मिलेगा उससे कोई संतुष्टि मान। अच्छा गुरुजी, गुरुजी बस आप कृपा करो गुरुजी कि मुझे बहुत अच्छा मिल जाए गुरुजी। और बुझ ले क्या बुझना। और गुरुजी एक घर के बारे में पूछना गुरुजी, मेरा भाई ना थोड़ा मतलब ऐसे ही घर में लड़ाई सा करता रहता है। पहले बताओ तुम कितने बहन भाई हो? गुरुजी हम तो दो ही है, एक मैं एक मेरा भाई गुरुजी, शादी हो रही गुरुजी, एक लड़की हुई उसके। पापा क्या काम करते हैं? गुरुजी पापा जी खेती करते हैं। अच्छा, पापा की हाइट लंबी सी है कि छोटे से हाइट में? गुरुजी पापा जी ज्यादा लंबे तो नहीं है, 5 फुट 3 4 5 के करीब है। मम्मी लंबी है क्या? हाँ मम्मी भी छोटी है, 5 फुट ही होगी गुरुजी। अच्छा, इनमें ज्यादा जोर जोर से बोलने वाला कौन है? भाई बोल रहे गुरुजी, पापा भी पापा बोलते हैं बहुत जोर जोर। नाम बता भाई का भी और पापू का भी। पापा जी का नाम तो सुशील है और भाई का नाम अमित है। भाई ये तो तेरा भाई है ना अमित? हाँ जी। ये तो वैसे तो बहुत अच्छा है। अच्छा गुरुजी, लेकिन बस कहते हैं ना कि कोई कह दे कि जहीं नहीं जाना वहाँ पे तो नहीं जाना, और जाना तो जाओ, क्या समझे? हाँ गुरुजी। तो लेकिन एक बात है कि ये जो भाई है आपका ना, हाँ गुरुजी, ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता आप किसी से भी। हाँ गुरुजी यही बात है बिल्कुल, ये तो ऐसे रहता है जैसे, कहने का मतलब है घर में आए रोटी खाई, कोई मतलब ना है किसी से भी। हाँ गुरुजी यही है। इसकी बीवी भी ऐसी है सनकी सी। हाँ गुरुजी। लेकिन एक बात बोलूं। हाँ गुरुजी। तेरे भाई से अच्छी है वो? हाँ जी गुरुजी अच्छी है। तेरा ध्यान रखती है बेटा वो? हाँ जी गुरुजी नहीं अच्छी है। और इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं? हाँ जी गुरुजी घर वाले बहुत अच्छे हैं। हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, बिगाड़ने की नहीं करते। हाँ जी गुरुजी यही बात नहीं है। नहीं तो तेरा भाई तो बहुत क्रोधित है, वो तो बदतमीज आदमी है, किसी की भी खड़े खड़े बेइज्जती करते है। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी। वो किसी की इज्जत नहीं करता है किसी की भी। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आदमी तो ऐसी खरी खोटी सुनाता है, पता नहीं से बात याद कहाँ से रहती है, वो पुरानी पुरानी बात करके ना बेइज्जती कर देता है। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनता ना गुरुजी, आगे मतलब कुछ अपना बारे में फ्यूचर के बारे में सोचता, बस अपना गुरुजी एक खाता बहुत है। अगर गुरुजी घर में किसी को खाता हुआ देख लेते एकदम मतलब ऐसा क्रोधित सा हो जा, दूसरे को खान नहीं देता। के खा करे ऐसा, रोटी घनी खावे के दूध पीवे के सबके ही खा जा, सबके हिस्से का सब चीज खाया गुरुजी, दूध भी ज्यादा पिया, रोटी भी ज्यादा खावे, सब्जी सबसे ज्यादा लेकर बैठा है, किसी की बच्चे रहना बच्चों पर अपनी खा जा सारी। तो फिर तो घना ही तगड़ा होगा यू। हाँ गुरुजी मोटा हो रहा। खा खा के गोल हो गया है। तो गुरुजी इसके कोई उपाय बता दो, ये सही हो जाए, हमारे घर परिवार में लड़ाई ना करे, सब बढ़िया रहे। ठीक है बता देता हूँ, रोटी हाँ। छोड़ने का उपाय बताऊं कि दिमाग ठीक करने का उपाय बताऊं कि क्या है बात? दिमाग ठीक करने का बता दो गुरुजी बस आप। ठीक है भाई, देखो क्या करना है कि घर में ना एक बासी रोटी लेनी है। बासी रोटी? और वो बासी रोटी ना सजानी है, जैसे माता रानी को चिंगार करें ऐसे सजानी है। अच्छा गुरुजी। भाई एक तो उसमें नाक जैसी बना देनी है, और एक जैसे नाक नहीं होती आदमी के चेहरा होता है, ऐसे चेहरा जैसे बनाना रोटी में। अच्छा चेहरा रगड़वाना? गड़ गड़ लेना खुद ही बना बना के ना, वो चुपका चुपका के ना आटा कर करके। अच्छा गुरुजी। और वो सेक लेनी है। अच्छा और गुरुजी। सेकने के बाद उसे सजाना है रोटी को। अच्छा उसे देखने के बाद सजाना है? हाँ, जैसे आँख में काजल लगा देना है, नाक में नथ लगा देनी है। अच्छा गुरुजी। मुंह में जीभ लगा देनी है। अच्छा गुरुजी। गत्ते की? अच्छा
अच्छा गुरु जी, जब ये रोटी तैयार हो जाए तो बस समझ लो कि अपना काम हो गया तैयार। अच्छा गुरु जी, एक और उपाय बता दो गुरु जी। हाँ, एक और उपाय बता देता हूँ। तुलसी के पत्ते ना रगड़ने हैं, घिसने हैं। तुलसी के पत्ते कैसे घिसने गुरु जी? ये सिलबट्टे पे रगड़ने हैं। अच्छा गुरु जी, काले तिल के साथ और नींबू के बीज के साथ। सिल पर रगड़ने नींबू के साथ? और काले बीज होते हैं ना, जैसे मूली के बीज है, जैसे ऐसे बीज के साथ घिसने हैं। अच्छा, काले काले बीज के साथ। उसके बाद उसे छान के सीसी में धर लेना है। छान के सीसी में भर लेना है। सीसी में भरना है। और जब आपका भाई सोए ना, उसके सोने से पहले 11 बार छींटे मारने हैं। जब सोए तो हाँ, 11 बार क्या जमीन पे सोए? अच्छा, 11 बार छींटे मारने। हाँ ठीक है गुरु जी। अब एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी गुरु जी। देखो, आपका जो भाई है ना, हाँ जी गुरु जी, या तो कहते सरकारी नौकरी में जाएगा गुरु जी, वो तो पढ़ा हुआ है नहीं गुरु जी। सुन तो सही, पढ़ा हुआ तो छोटी नौकरी नहीं कर सकता क्या? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। या कोई ऐसा काम करेगा अपना जो घर में बैठे रहने का काम है, बस लाव लाव लगाए रहेगा, लाव लाव। हाँ जी गुरु जी, ऐसा तो करता है गुरु जी। क्योंकि इसके दिमाग बहुत है गुरु जी, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे को पढ़ा दे। अच्छे गुरु जी, क्योंकि इसमें बड़ा पता क्या बात है। हाँ जी गुरु जी, ये बहुत बारीक में सोचता है। अच्छे गुरु जी, कई बार तो ऐसी बातें सोचता है कि इसकी बात ही सच निकल जाती है। अच्छे गुरु जी, और एक बात और बताऊं? हाँ जी गुरु जी। देखो, आने वाले समय में ये तो बहुत बढ़िया आदमी रहेगा। अच्छे गुरु जी, सुधर जाएगा किसी चीज से, क्योंकि अभी तो क्या है, मरने मारने में विश्वास है। अभी तो क्या है कि जिंदगी बस चल रही है, कि ये नहीं कह सकते कि विश्वास है कि क्या है। हाँ जी गुरु। और जी, एक बात और बता दूं मैं आपको। हाँ जी गुरु जी। देखो, तुम्हारे घर में ना दो हाँ बार हाथ से लिखे थे, एक बार तुम्हारे पापा के साथ। अच्छे गुरु, और जी, एक बार इसी के साथ। अच्छे गुरु, क्योंकि जी, इसकी ना कोई गुप्त दुश्मनी रहेगी। अच्छा गुरु जी। और गुप्त दुश्मनी की वजह से इसको काफी नुकसान हो सकता है, काफी चोट लग सकती है, काफी दिक्कत में आ सकता है। गुरु जी, किसके साथ हो सकता है ये? देखो जी, अभी पीछे हुई थी जब वो रिश्ता देखना है, तो उससे पहले की बात है, ये जनवरी से पहले की बात। अच्छा गुरु जी, कहा सुनी हुई थी, पता नहीं क्या लफड़ा हो गया था, लेकिन वो खत्म हो गया था। हाँ जी गुरु जी, हुई थी गुरु जी। लेकिन यू भी तो खुन्नसिया है, खुन्न समानता बहुत ज्यादा है। हाँ जी गुरु जी। एक बार किसी चीज से चरक जाए तो फिर तो उसी का नाम लेता रहता है कि उसने ऐसे कही क्यों। हाँ जी गुरु जी। और एक बात बता दूं? हाँ जी। ये तो घर से भी जाने वाला था एक दिन। हाँ जी गुरु जी। क्योंकि इसके मन में ना इसकी विचारधारा ऐसी है कि ये किसी को प्यार नहीं करता है। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल यही बात है। तो ये एकदम टंडी रठा के चल पड़ता है, कहता जय लो चलो जी जयराम जी की जा रहे जी क्या। हाँ जी गुरु जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, ये डरावे बहुत है। हाँ जी गुरु जी। और तेरे को तो कुछ ज्यादा ही डरावे। हाँ जी गुरु जी, मुझे तो सर गुरु जी, जब मेरा रिश्ता मतलब छूट गया था गुरु जी, मुझे पता नहीं क्या मतलब कहने लगा गुरु जी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। जब ये रिश्ता छूट गया था गुरु जी, मैं कहता मुझको तेरी वो इच्छा बड़े घर में जाने की, चली जाते बड़े घर में, और गुरु जी बहुत रोना आ रहा था मुझे। तेरे को तो मुंह पे ही क्या करेगा। हाँ जी गुरु जी, क्या दही मैं तेरे से ना डराई हो किसी भी बात में? हाँ गुरु जी, डरता ना। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी, चलो रहने दो, क्या बताना? नहीं नहीं गुरु जी, बता दो प्लीज साहब। कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आराम हराम है, जैसे कहते ना भाई आराम नहीं है जिंदगी में, ऐसे रहेगा ये। अच्छा गुरु जी। करते क्या हो कि कुछ नहीं, और टाइम है कि एक सेकंड का भी नहीं है। हाँ जी गुरु जी, यूं ही डोल ले जाएगा। हाँ जी गुरु जी, रह तो ऐसे ही। अच्छा, एक ये कोई वाहन लेने के जुगाड़ में है? हाँ जी गुरु जी, बहुत सोचा है कि मैं मतलब गाड़ी ले, गाड़ी चलाऊं। और लेगा ही लेगा ये? हैं गुरु जी, लेगा जरूर। अच्छा गुरु जी, क्योंकि देखो घर में तो गुंजाइश है नहीं। हाँ जी गुरु जी, लेकिन ये गुंजाइश पैदा कर देता है। इसके लिए पता नहीं चीजें आ कहाँ से जाती हैं, कोई जुगाड़बाजी करता है, कोई गलत काम करता है कि क्या करता है।
अच्छे गुरु जी। और बताएगा नहीं, ये मन के भेद नहीं देता ये। अच्छे गुरु जी। लेकिन बस हाँ ये है कि इसकी बीवी को बोलना कि भाई हमने गुरु जी से फोन पे बात की थी, इसके नाम के व्रत रखो। कौन से दिन के रखने गुरु जी? बृहस्पतिवार के। कितने रखने गुरु जी? भाई कम से कम 21 रखवा लूंगा। अच्छा गुरु जी। बाकी इसका सब बढ़िया चल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, इसका घर अच्छा चला, बस ये अच्छा रहा है। बस गुरु जी ये टेंशन रहा है, मम्मी बहुत टेंशन ले रहा है इसके बारे में गुरु जी। अभी मम्मी को मत बताइए ये वाली बात। ना गुरु जी, मम्मी को ना बताइए, तो रोने लग जाएगी अभी। हाँ जी गुरु जी, क्योंकि वो तो बहुत शुद्धि है। हाँ जी गुरु जी, बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। और कुछ पूछना तो पूछ ले झटपट। हाँ जी गुरु जी, ये बता दो गुरु जी मेरी शादी कब तक हो जाएगी? तेरी शादी इस साल में तो योग बन नहीं रहा है। अच्छा गुरु जी। अगला साल नहीं लांगने दूंगा। अच्छा गुरु जी, बस कृपा है गुरु जी, प्लीज अच्छे घर में गुरु जी मेरी शादी करा दियो आपकी। और कुछ पूछना तो पूछ ले। हाँ गुरु जी, एक छोटी सी गुड़िया है गुरु जी, उसके ना जन्म सही पैर पे निशान आये गुरु जी। है जन्म से उसके पैर पे एक निशान आया गुरु जी, उसका पता नहीं चल रहा। क्या का निशान है बेटा? गुरु जी सफेद सा निशान है, जैसे फूल से का नहीं होता गुरु जी। अच्छा ऐसा है गुरु जी? ये तो बेटा दही और नमक ज्यादा खाने से हो जाता है। अच्छा गुरु जी, वैसे गुरु जी कैसी रहेगी ये लड़की गुरु जी? बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ गुरु जी इंटेलिजेंट है गुरु जी। इसका तो मिजान लग गया तो ये फर्स्ट आया करेगी। अच्छा गुरु जी। हाँ इससे शौक है हर चीज का। हाँ जी गुरु जी, शौक है सर हर चीज का। और बड़ी मटक को आई है, बनने संवरने में बहुत ध्यान देगी। हाँ जी गुरु जी, दया दीजिए गुरु जी, अभी तो एक साल की हुई गुरु जी। और एक बात बताऊं? हाँ जी गुरु जी। क्यों बताऊं? गुरु जी बता दो प्लीज। क्योंकि इसे डांस का भी शौक रहेगा लड़की को। हाँ जी गुरु जी, बहुत करा भी सही डांस पे गुरु जी। और देखो किसी ने सीखा भी नहीं, और वो ड्रामा करेगी जो लोग कहेंगे ये कैसे सीख लिया भाई। हाँ जी गुरु जी, देखते रह जा सब, यही है गुरु जी। अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। अच्छा गुरु जी, बड़ी होकर गुरु जी कामयाब हो जाएगी? ले ये तो कामयाब होनी होनी। अच्छा गुरु जी आशीर्वाद की, बिल्कुल चिंता मत कर, ये तो बहुत काबिल है। अच्छा गुरु जी। और जो लोग इतने काबिल होते हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी की भलाई में काम आता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई मन में आए कि भाई ये काम करेंगे तो वही करना है। हाँ जी गुरु जी। भाई एक बात और है। हाँ जी गुरु जी। जब आप व्रत रखोगे ना। हाँ जी गुरु जी। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि घर के अंदर किसी प्रकार का खाली बर्तन नहीं होना चाहिए, और झूठा बर्तन रखना ही नहीं है घर में। अच्छा गुरु जी। हाँ कहते हैं जब घर में झूठा बर्तन रखते हैं ना। हाँ जी गुरु जी। तो घर में बरकत नहीं रहती। अच्छा गुरु और घर में सारे लोग एक दूसरे को देख के ऐसे बोलते हैं जैसे कि पता नहीं कोई पाप कर दिया हो ना कुछ हो ना क्या। हाँ जी गुरु जी। भाई देखो एक तो ये है कि जो सब्जी वगैरह लाते हो ना गांव से या कहीं से भी। हाँ जी गुरु जी। उसको ना सबसे पहले गर्म पानी से धोना है। अच्छा गुरु जी। नहीं तो सबके पेट में गर्म वो हो जाएगा, दर्द होने लगेगा सबके पेट में। अच्छा गुरु जी। क्योंकि इसकी बॉडी की तासीर ना बिल्कुल अलग है। अच्छा गुरु जी। और जिसकी तासीर अलग है उसके लिए तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे कहते ना भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ जी गुरु जी। और कुछ पूछना तो पूछ ले बेटा। गुरु जी मेरी जॉब लग जाएगी क्या, बताइए गुरु जी? पहले ये बता, तेरी उंगली जो है वो लंबी लंबी है कि पतली पतली है, कि मोटी मोटी है, कि छोटी छोटी है, कि कैसी है? गुरु जी ना तो ज्यादा लंबी, बस गुरु जी बीच की है। अच्छा गोल गोल सी है। भाई देखो ऐसा है कि जब ये कोई बात होती है ना, अब जैसे दिमाग में कोई बात रखोगे आप। हाँ जी। तो वो बात बेटा रात को ही निकाल दे, नहीं तो सुबह भी वही चलेगी, शाम भी वही चलेगी, मतलब जैसे कलेश की स्थिति हो जाएगी। हाँ जी गुरु जी। अच्छा और पूछो किसी से तूने क्या कहा, तूने क्या कहा, तूने क्या, तो कहते हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ले जब कहते कुछ कहा नहीं तो फिर ये दिमाग में फितूर कैसे पैदा हो गया बताओ। हाँ जी गुरु जी। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ इसके लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी गुरु जी। मतलब कहने का यह है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी कोई चीज लाता है और वो फॉल्टेड निकल जाती है, जैसे कोई चीज भी लाओगे ना, नहीं लाओगे तो उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकल जाएगा, फिर भागते रहो ठीक कराने के लिए। हाँ जी गुरु जी। तो आप ना अपने घर में एक काम करना जी गुरु जी,
कि तीन बांसों की लकड़ लेना, जैसे कहते हैं तीन बांसों की कोई भी लकड़ लेके आपके बांस, गुरु जी? बांस की लकड़ी नहीं होती जी, गुरु जी। बांस की लकड़ी लेके जी, गुरु जी। और वो जैसे जला के कोयले से कर लो। अच्छा गुरु जी। और उस कोयले के ऊपर काले तिल, नमक और हल्दी तेल डाल के, काले तिल नमक हल्दी और तेल डाल के बराबर मात्रा में जी, गुरु जी। और वो ना अपने घर के अंदर घुमाना है, घर के अंदर घुमाना। हाँ जी गुरु जी। ऐसा करने से आपके घर में जो तमाम बाधा है, जैसे कोई भी बाधा है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो फर्क पड़ेगा कि भाई हर चीज ठीक हो गई है। अच्छा। और एक बात और है कि आपने ना कभी जिंदगी में नीचे, जैसे कहते ना पैंट या पजामे की जेब में चिल्लड़ नहीं रखना, जैसे कुछ कहते ना खुले पैसे नहीं रखने हैं। अच्छा गुरु जी, घर में रखने खुले पैसे। हाँ, बाकी तो सब बहुत बढ़िया है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कृपा है भगवान की। बिल्कुल, भगवान की कृपा होगी और गुरु की कृपा होगी तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सीमा की जो समस्या थी वो ये थी कि उनकी शादी कब होगी, तो समस्या का निदान हो गया है यहाँ पर और सिर्फ एक साल का इंतज़ार करना है और उसके बाद आएगी सीमा के घर बारात। तो अगर आप भी शादी के लिए चिंतित हैं तो आपके लिए भी यही कहेंगे कि खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा करी दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। चिंता मत करिए, एक दिन आपका दूल्हा आपको भी ज़रूर मिलेगा। गुरु जी, आप आए इतने सारे दर्शकों की समस्या का समाधान किया, हर रोज ही करते हैं, बहुत शुक्रिया। आज की दुनिया में दर्द की कमी नहीं है। जब दर्द की कमी दुनिया में नहीं है तो दवा क्यों नहीं हो? और हमारे पास है हर दर्द की दवा, वो भी ऐसी जो आप कहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्या हो सकता है। आज हम आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाते हैं। ये ऐसी धूप है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आशु भाई गुरु जी द्वारा जन कल्याण हेतु धूप में कई चमत्कारी और अति विशिष्ट सामग्री समाहित हैं, जो दुकान, घर, मंदिर, ऑफिस, फैक्ट्री या गोदाम में इस्तेमाल करने पर आपके भाग्य को सुधार सकते हैं। आशु भाई गुरु जी द्वारा जन कल्याण हेतु धूप घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें 011-46-41-41-41 पर।